हाजत ही अब नहीं जिसे भेजूं खुदा के पास, मेरी गुजारिशें हैं सभी फातिमा। सभी फातिमा के पास आजाद समाप्त फरमाए कि मैं एक गुनाहगार भी मद्दाह भी तेरा, कि मैं एक गुनाहगार भी मद्दाह भी तेरा, लिखी हुई है मेरी जजा भी सजा के पास। तेरा लिखी हुई है मेरी जजा भी सजा के पास। समात फरमाए कीमती समातों की नजर ये शेर के जहरा के मौलाना कीमती शेर पेश कर रहा हूँ। समात फरमाए के जहरा के शुक्रिये में वो सब सर्फ कर दिए, के जहरा के शुक्रिये में वो सब सर्फ कर दिए, इमकान में जितने लफ्ज भी थे हल अता के वो सब सर्फ कर दिए, इमकान में जितने लफ्ज भी थे हल अता के पास। और हजरात देखें ये शेर भी कि कितनी फजीलतों का है मरकज बनी हुई, कि कितनी फजीलतों का है मरकज बनी हुई, पेवंददार एक रिदा फातिमा, एक रिदा फातिमा के पास। और ये सिलसिले का आखिरी शेर के वो भी गुनाहगार है, वो भी गुनाहगार है, ऐ गासिबे फदक। ये ख्याल पेश किया है कि वो भी गुनाहगार है, ऐ गासिबे फदक, वो जिसने तुझको दफन किया मुस्तफा के पास, दफन किया मुस्तफा के पास, वो जिसने तुझको दफन किया मुस्तफा के पास, जिसने तुझको दफन किया मुस्तफा के पास। और हजरात बहुत जल्द मैं बहुत तेज़ी के साथ और इंशाल्लाह माहौल बरकरार रहेगा, अब जमन यहाँ की फरमाइशें हैं समात फरमाएं कि वही देखें मातमी बस्ती है, कि वही जोशे अज़ा देखे, वही अश्के अज़ा देखे, समात फरमाएं कि वही जोशे अज़ा देखे, वही अश्के अज़ा देखे, गुजरती जाए सदियां और दुनिया मोजज़ा देखे, गुजरती जाए सदियां और दुनिया मोजज़ा देखे। इसमें एक शेर सरहदों से भी आगे निकल गया है और उसी वजह से इन्होंने हुक्म दिया था और वो पेश करना मकसूद है। बहरहाल दो शेर और समाप्त फरमाएं, सलवात भेजें आप समात फरमाए कि गमे शब्बीर ने, आप हजरात की तर्जुमानी है शेर कि गमे शब्बीर ने कितना बदल कर रख दिया हमको, क्या कहना,
कि गमे शब्बीर ने कितना बदल कर रख दिया हमको कि जब हम आईना देखें तो हमको आईना देखें देखें हजरत के शेर समात फरमाएंगे अब हजरत शेर समात फरमाएं कि देखें हम सब खाती गुनाहगार इंसान हैं लेकिन उसके बाद भी हम लोगों की बख्शिश यकीनी है। दलील पेश कर रहा हूँ, समात फरमाएं कि खताओं को हमारी दरगुजर करना ही पड़ता है, कि खताओं को हमारी दरगुजर करना ही पड़ता है और खुदा हम लोगों को देखे कि जहरा की हमारी दरगुजर करना ही पड़ता है, खुदा हम लोगों को देखे कि जहरा की दुआ देखे, खुदा हम लोगों को देखे कि जहरा की दुआ देखे। और हजरात एक सलवात की गुजारिश है, वो भी आपका हुक्म था, जल्दी जल्दी एक 10 मिनट के अंदर सब समाप्त फरमाएं कि मुनाफिक इसलिए घबरा रहा था, कि मुनाफिक इसलिए घबरा रहा था गदीर खुम का मौसम आ रहा था, मुनाफिक इसलिए घबरा रहा था कि गदीर खुम का मौसम आ रहा था, गदीर खुम का मौसम आ रहा था और अली को देख के दस्ते नबी पर, अली को देख के दस्ते नबी पर न जाने कौन था गश खा रहा था, अली को देख के दस्ते नबी पर न जाने कौन था गश खा रहा था। अब हजरात शेर समात फरमाएं कि अली के कुछ लकब लिखे थे मैंने, फरमाए जहां आजाद कि अली के कुछ लकब लिखे थे मैंने, समंदर खुश्क होता अली के कुछ लकब लिखे थे मैंने, समंदर खुश्क होता जा रहा था, समंदर खुश्क होता जा रहा था और सैलाब नजर आते हैं गौहर नहीं मिलता, कि सैलाब नजर आते हैं गौहर नहीं मिलता, हर आंख में अश्के गमे सरवर नहीं मिलता। शेर पेश करूंगा समाप्त फरमाए कि हर आंख में अश्के गमे सरवर नहीं मिलता और सीनों में नहीं ढूंढिए हैदर के फजाइल, के सीनों में नहीं ढूंढिए हैदर के फजाइल, मिट्टी के मकानों में समंदर के मकानों में समंदर नहीं मिलता। और देखें हजरात शेर समात फरमाए, बिल्कुल ये मॉडर्न शेर है, इंटरनेट का जमाना है, शेर समात फरमाए कि आंखें भी हैं नक्शा भी जमाने का लिए हो, आंखें भी हैं नक्शा भी जमाने का लिए हो, हैरत है कि फिर भी दरे हैदर नहीं जमाने का लिए हो,
कि फिर भी दरे हैदर नहीं मिलता। देखिए हजरत ये एक शेर समाप्त फरमाएं कि एक ताजिया मिल जाएगा, कुछ फूल मिलेंगे, कि एक ताजिया मिल जाएगा, कुछ फूल मिलेंगे, ताकों में हमारे यहाँ पत्थर नहीं मिलता। पत्थर नहीं मिलता ताकों में, हमारे यहाँ पत्थर नहीं मिलता। और शेर समाज फरमाए हजरात के ताकों में हमारे यहाँ पत्थर नहीं मिलता। देखें आप हजरात अपनी ये खूबी समाज फरमाएं कि 100 रूप हैं दुनिया के मगर शह का आजादार, के 100 रूप हैं दुनिया के मगर शह का आजादार, लोगों से कभी भेष बदल कर लोगों से कभी भेष बदल कर नहीं मिलता, कि लोगों से कभी भेष बदल कर नहीं मिलता। और हजरत अब ये शेर समाप्त फरमाएं कि ये रोजों पर रोजे, ये नमाजों पर नमाजें, कि ये रोजों पर रोजे, ये नमाजों पर नमाजें, ये रोजों पर रोजे, ये नमाजों पर नमाजें, शब्बीर ना होते तो ये मंजर नहीं मिलता, कि शब्बीर ना होते तो ये मंजर नहीं मिलता। शेर समाज फरमाइए कि इस्लाम ने ये सोच के सरवर को सदा दी, कि इस्लाम ने ये सोच के सरवर को सदा दी, मख्तल है यहाँ कोई पैगंबर नहीं के बेलौस तरीके से मिला करता है लेकिन पुरजोश, के पुरजोश तरीके से मिला करता है लेकिन अफसोस मुनाफिक कभी खुल कर कभी खुल कर नहीं मिलता, अफसोस मुनाफिक कभी खुल कर नहीं मिलता। इस्लाम ने ये सोच के सरवर को सदा दी, इस्लाम ने ये सोच के सरवर को सदा दी, मक्तल है यहाँ कोई पैगंबर नहीं मिलता। हजरत ये आखिर में एक मतलब चार शेर आपका हुक्म पूरा हो गया और उसके बाद आप हजरत से दुआओं की गुजारिश है। हाँ वो भी अरे आज ही के लिए सिलसी के लिए कहा इन्होंने, चंद शेर हैं वो, चंद शेर हैं। हाँ वो बात सही है, वो चंद शेर हैं जी के सरे महफिल मेरे होठों पर एक सादा सी मिधत है, के सरे महफिल मेरे होठों पर एक सादा सी मिधत है, न कुछ मंसूबा बंदी है न लफ्जों में सियासत है। न कुछ मंसूबा बंदी है, न कुछ मंसूबा बंदी है, न लफ्जों में सियासत है, और सुखनवर हूँ मगर हाँ कोई खुशफहमी नहीं मुझको, के सुखनवर हूँ मगर हाँ कोई खुशफहमी नहीं मुझको, खुदा का शुक्र है लहजा जरा सा खूबसूरत है, सुखनवर हूँ कोई खुशफहमी नहीं मुझको, खुदा का शुक्र है लहजा जरा सा खूबसूरत है, मैं एक मद्दाहे अहले बैत हूँ ये इल्म है लेकिन, मैं एक मद्दाहे अहले बैत हूँ ये इल्म है लेकिन,
मुझे खुद भी नहीं मालूम मेरी कितनी कीमत है, मुझे खुद भी नहीं मालूम मेरी कितनी कीमत है। और देखें हज़रात, बीच में मैं रोक के अलग ही गुफ्तगू हूँ तो मैं बहुत बेलाग हूँ, लेकिन मैं दौरान मदा कभी गुफ्तगू नहीं करता, लेकिन एक ख्याल, ये इनका हुक्म इस बल्कि फरमाइश मेरे लिए इसलिए हुक्म था क्योंकि ये उस शख्सियत के बेटे हैं जो समझिए अभी तक मेरे दिल के अंदर हैं। और नय्यर भाई मरहूम, ये हकीकत है कि पूरी दुनिया में वो अपनी मिसाल आप थे, और उनके बाद एक सन्नाटा है। ये किसी को बुरा लगे कुछ लगे, बहरहाल ये मेरी पसंद है, ये मेरा ख्याल। तीन शेर बस और के, मुझे खुद भी नहीं मालूम मेरी कितनी कीमत है। और देखें हजरात, इत्तेहाद 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 कहाँ मुमकिन है, सिर्फ इसी फर्शे महफिल और फर्शे अज़ा का मुमकिन है। सबूत पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाएं कि ये फर्शे ज़िक्र अहले बैत का एजाज है। देखो कि ये फर्शे ज़िक्र अहले बैत का एजाज है, देखो मैं उसके पास बैठा हूँ जिसे मुझसे अदावत है। के पास बैठा हूँ जिसे मुझसे अदावत है, और मुझे एक रोज वो भी बरसरे मिंबर नजर आए कि मुझे एक रोज वो भी बरसरे मिंबर नजर आया जो मुझसे पूछता था महफिलों की क्या जरूरत है। क्या जरूरत है कि मुझे एक रोज वो भी बरसरे मिंबर नजर आया जो मुझसे पूछता था महफिलों की क्या जरूरत है। और आखिरी शेर, और आप हजरात से इजाजत, कि हमें तुम जिंदगी के रास्तों से क्या डराओगे। और बहुत हौसला अफजाई कि हमें तुम जिंदगी के रास्तों से क्या डराओगे, हमें हर एक कदम पर या अली कहने की आदत है। असल में ये मुकम्मल अभी नहीं है, बहरहाल अभी जितने शेर हैं मैं पेश कर रहा हूँ वो ये हकीकत है कि यहीं की नियत से मैंने एक सलवात भेजे हैं आपका। अच्छा जी, एक गैर मुरद्दफ मिसरा दिया गया था कि मुबाहला है नबी का जिहाद रूहानी। जी, गैर मुरद्दफ इसमें समाप्त फरमाएं कि मुबाहले की ये महफिल है इतनी नूरानी, कि मुबाहले की ये महफिल है कितनी नूरानी, चराग फर्श पर है अर्श पर है ताबानी, चराग फर्श पर है अर्श पर है ताबानी। और समात फरमाए हजरात के सनाए पंजतने पाक है जबानों पर, क्या कहना के सनाए पंजतने पाक है जबानों पर, ख्याल सुर्ख कहीं सब्ज तो कहीं धानी, कहीं सब्ज तो कहीं धानी। और हजरात ये शेर समाप्त फरमाएं के चार शेर हैं और इसमें दो शेर इंशाल्लाह आप हजरात जरूर पसंद फरमाएंगे, चार पांच शेर हैं कि वो जा रहे हैं नसारा
शिकस्त खाए हुए कि वो जा रहे हैं नसारा, शिकस्त खाए हुए नबी की आल का, यानी कोई नहीं सानी। शिकस्त खाए हुए नबी की आल का, यानी कोई नहीं सानी। और हजरत शेर समात फरमाए, शेर समात फरमाए कि तुम अहले बैत के सजदों की हमसरी न करो। शेर समात फरमाए कि तुम अहले बैत के सजदों की हमसरी न करो, लहू उगलने लगेगी तुम्हारी पेशानी। लहू उगलने लगेगी तुम्हारी पेशानी, लहू उगलने लगेगी तुम्हारी पेशानी। और हजरत ये शेर समाप्त फरमाए, ये शेर भी समाप्त फरमाए कि जवाब ये नहीं तुम उनके साथ साथ रहे, जवाब ये नहीं तुम उनके साथ साथ रहे, सवाल ये है पैगंबर की बात कब मानी। जवाब ये नहीं तुम उनके साथ साथ रहे, के जवाब ये नहीं तुम उनके साथ साथ रहे, सवाल ये है पैगंबर की बात कब मानी, सवाल ये है। और हजरत अब ये आखिरी शेर हो, इजाज़त चाहता हूँ, पढ़ा भी नहीं जा रहा है कि ये मौजज़ा है कि इस दौर में इंशाल्लाह आप हजरत को पसंद आएगा ये आखिरी शेर। नया ख्याल समाप्त फरमाएँ कि ये मौजज़ा है कि इस दौर में हयात हैं हम। अरे बहुत अच्छा कि ये मौजज़ा है कि इस दौर में हयात हैं हम, ये मौजज़ा है कि इस दौर में हयात हैं हम, कोई तो है जो अभी कर रहा है निगरानी। कोई तो है जो अभी कर रहा है निगरानी, कोई तो है। और ये मजलिसें हैं हमारे दुखे दिलों की दवा, कि ये मजलिसें हैं हमारे दुखे दिलों की दवा, ये महफिलें हैं हमारी ग़िज़ाए रूहानी।